Hello everybody. Today we will study in grammar. So our topic is past tense. In our previous grammar session, we have learned about present tense and its types. Yes, am I right? I mean, present tense its parts. Hai, wo seekh hai, hai na? So now from today onwards, we are going to study about past tense and its types. Means what is past tense and how many parts mm, types of पास टेंस आर देयर सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टेंड व्हाट इज पास टेंस सी लुक एट हियर पास टेंस दिस टेंस शोज ऑफ एन एक्शन दैट हैियर इज टेलिंग दैट ये एक एक्शन को शो करते हैं एक्शन मीन्स एक भाव को शो करते हैं जो ऑलरेडी हैपेन्ड मीन्स ऑलरेडी हो चुका है ऑलरेडी कम्प्लीटेड हो चुका है कब हुआ है ना इन पास टाइम में अतीत में ओके, इट इज नॉट हैपनिंग नाउ ओके और ये अभी मीन्स वो भी नहीं सकते हैं, इट ऑलरेडी हैपन ओके डियर सो नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स यू विल लर्न मोर सी फर्स्ट नंबर दे प्लेड क्रिकेट ये स्टडी कैन यू सेव वट इज भव हियर व्हाट इज द एक्शन वर्ड हियर या प्ले प्ले इज एन एक्शन वर्ड बट डियर कैन यू सी मोर लुक एट हियर दैट आई एड ई डी ई डी मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मीन्स भाव ये भाव का क्या है फास्ट फॉर्म है ये सेकेंड फॉर्म है सो फास्ट फॉर्म क्या है प्ले है और उसका सेकेंड फॉर्म क्या है प्लेड मीन्स हियर वी एड ई डी बिकॉज इट इज अ रेगुलर भब है ना मोस्ट ऑफ द रेगुलर भीस मोस्ट ऑफ द रेगुलर भैन वी चेंज व्न वी कनवर्ट इन द पास टेंस और वेन वी मींस कनवर्ट इन द सेकेंड फॉर्म देट टाइम वी एड इोज भाव्स आर कॉल रेगुलर भोज भर्ब्स दे टोटली चेंज to change their past form to past participle form that time we did not add ed okay what means they totally change to wo sab verb ko hum kya bolte hain irregular verb karte hain na and many of irregular verbs you have learned already as i sent the list jaise maine verbs ke list आपको send किए हैं तो उसमें से आपने बहुत सारे irregular verbs को learn किया है क्या है ना yes so Now so this is the past form we know. Now look at the second number example. She lost her money bag. See one girl is there and what happened? Now, she lost. So lost is the second form of the verb. So what is the past form? Lose. लूज का पास्ट क्या है? तो यहां पे हुआ है, इसलिए क्या है ये पास्ट टेंस में ये जो मींस खो जाने की बात कर रहे हैं मानी बैग की मानी बैग की तो ये ऑलरेडी खो चुका है है ना सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड नंबर

टूडे वी हैउट सिंपल पास टेंस वास्ट टेंस सी हियर इट शोज एन एक्शन दैट टूक प्लेस इन द पास टाइम हियर इज ऑल्सो से एक एक्शन एक, 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 एक वर्व को शो करते हैं जो प्लेस ले लेते हैं जो जगह बना लेते हैं कहाँ पे पास टाइम में अतीत में ओके सो सी द एग्जाम्पल आई वेंट गो टू दास्ट संडे नोट नाउ अभी नहीं मैं संदे, जो संडे बीत चुकी है में थी. Okay? और गया था? जो भी है ना जो जेंडर है वो बोलेंगे सो नाउ हियर इज टेलिंग दैट रूल व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल पास टेंस मींस एवरी टें हैज दे आर डिफरेंट रूल ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड दट व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल पास टेंस सब्जेक्ट प्लस वैकेंड नंबर फॉर्म देन प्लस ऑब्जेक्ट ओके सिंपल प्रेजेंट में क्या सिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्स्ट नंबर फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड हियर द पास टेंस में व का सेकेंड नंबर फॉर्म दिस वन ओनली ओनली डिफरेंट ओके सो वाट वन एग्जाम्पल हियर You understand um, the it or that rule from the examples. My sister ate her lunch. My sister ate her lunch. My sister is a subject. Okay. And verb ate is the verb ka second number form. Yes or no? And lunch is the object. Okay. So, like that, every year here, if you look at here that she lost her money bag, so she is a subject lost is the second form and her money bag money bag is the object okay so every means if you look them another example that we ate our lunch this is same next third first number is they played cricket yesterday so they is the subject and played is the second form and cricket object okay good now dear as we have learned that about sentence there are four parts of sentence four types of sentence so sentence can be uh, means uh, written or sentence can be affirmative sentence negative sentence or interrogative sentence affirmative sentence means sakaratam okay and negative means nakaratam and interrogative means प्रश्नवाचक ओके सेंटेंस में जो पॉजिटिवली बताएंगे वो होगा एफर्मेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव शो so करेंगे ना है ना शो करेंगे नहीं शो करेंगे नकारात्मक सही करेंगे वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस और जो प्रश्न को पूछा जाएगा वो हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके सो सी हियर आई हैव गिवन एग्जांपल दैट आई एफर्मेटिव आई गेव हर अ डॉल मैं एक डॉल उनको उसको उसको एक लड़की को हार मैंने यहाँ पे हार है तो हार इज अ लड़की वन गर्ल सो आई गेव हार अ डॉल मैंने उसको एक डॉल दिया था है ना दी थी ओके था और थी जो भी है जेंडर है ना तो अब नेगेटिव में क्या आएगा आई डिड नॉट गिव हर अ डॉल मैंने उसको कोई भी डॉल नहीं दी थी है ना डियर स्टूडेंट्स आपको जब ये सेंटेंस को हम नेगेटिव में करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा देखो यहाँ पे गेब है तो गैब इज द सेकेंड फॉर्म है है ना और जब मैंने डिड नॉट लगाया तो ये मैंने यहाँ पे गेब नहीं लगाया आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा तो गेव का फर्स्ट फॉर्म क्या है गिव है, है ना तो आई डिड नॉट गिव डॉल। आ आपको सिर्फ माइंड करना है रिमाइंड करना है ये आपको ध्यान पे रखना है जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाओगे एफर्मेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव में जाओगे तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा और अगर ये पास्ट टेंस में है, है ना गेव इज द पास टेंस है ना सेकेंड फॉर्म है तो आप क्या करोगे गेव का डीड पुट करोगे लिसन हियर प्लीज पे अटेंशन जब आप पास्ट टेंस में कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है और उसको आप नेगेटिव सेंटेंस में लाओगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लाओगे तो जब भी आप नेगेटिव में लाओगे आप यू हैव टू पु डीड डी आई डी डिड आपको पुट करना है और उसके साथ नॉट तो ये नेगेटिव में आ जाएंगे तो आई डिड नॉट गिव हर अ डॉल और गेव का जो एक्शन वर्ड है जो ड्ग वर्ड है वो जो वाव है उसका आपको फास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा समझ में आ गया अंडरस्टूड डियर गुड

प्रश्न चिन्ह है ना लास्ट में देखो ये यह, यहाँ पे मैंने प्रश्न चिन्ह दिया है यू कैन सी बिकॉज ऑफ दिस मार्क इज देयर बट आपको पे, यहाँ पे पे, पे अटेंशन ओके एट द लास्ट ऑफ द पेज आई सॉरी डिड आई गिव हर ए डॉल अगेन आई एम सेइंग दैट अफर्मेटिव सेंटेंस आई गिव हर ए डॉल इजीली यू कैन से बट नेगेटिव में आई डिड नॉट गिव हर ए डॉल क्वेश्चन में डिड आई गिव हर ए डॉल डीड आई गिव हर ए डॉल है ये जो फर्स्ट नंबर है क्या लग रहे पढ़ लिया है, कि ये sentence past tense में है तो अगर आप इसको क्वेश्चन में पूछोगे ये आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूछोगे तो आपको डीड लगाना पड़ेगा और जो सेकेंड फॉर्म है उसका आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा है ना तो डीड आई गिव हर एडल गोट इट डियर Okay, I hope you have understood about this topic. Now, related to this topic, one exercise is there that you have to do at your home in your copy and send it back to the WhatsApp groups. So, thank you very much. Have a good day.